जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, स्वागत है आपकी इस वीडियो में। कैमरामैन दीपक के साथ आए हैं। अभी रेस्क्यू किए हैं एक इंडियन रेड स्नेक, इसको बोलते हैं। ये वैसे जहरीला नहीं है, बिल्कुल भी इसमें जहर नहीं है, लेकिन ऐसे भी सांप अगर इंसान को काट ले तो डर से उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि आसपास के लोग उसे इतना डरा देते हैं कि हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा काम ना करें, कोई भी सांप हो तो कृपया करके काटे तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं, सबसे मेरा यही अनुरोध है। तो अभी दिखाते हैं, ये इंडियन रेड स्नेक है। ये वैसे खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी सांप सांप होता है, सांप के नाम से लोग डर जाते हैं। इन्होंने अभी एक मेढक को खाया था, तो देखिए अभी इसके अंदर इन्होंने उसे निकाल दिया है। तो इसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ ना करते हुए इसे अभी निकालेंगे। इंडियन रेड स्नेक बोलते हैं। वैसे ये खतरनाक नहीं है, इसे काटने से कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी सांप सांप है। और ज्यादातर नया नया रेस्क्यूअर से अनुरोध है कि इसी तरह फ्री हैंडलिंग करने का कोशिश ना करें। हम लोग काफी प्रशिक्षण के बाद ऐसा करना सीखे हैं। तो दिखाते हैं अभी, ये इंडियन रेड स्नेक जिसे कि नावन बोलते हैं। इसका मुख्य वजन बहुत हुआ है और कीट पतंगे भी खाते हैं। तो इसे इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना करते हुए इसे पर्यावरण में जाने देते हैं, क्योंकि पर्यावरण में बचे रहना इसका बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह की अभी कोरोना महामारी चल रहा है, तो खासकर अगर पेड़ पौधे हम लोग ने बचाया होता तो अभी ऑक्सीजन की कमी ना होती। तो इसी तरह अगर एक पेड़ पौधे को काटने से इतना महामारी फैला है, तो अभी पानी की बर्बादी जिस तरह हम लोग कर रहे हैं, तो उसका अभी महामारी झेलना बाकी है, जिस तरह भविष्य में देखा जा सकता है। और इसी तरह अगर सांप और छोटे छोटे जीव भी लुप्त हो गए तो इंसान के लिए बहुत घातक हो सकता है। तो सभी से अनुरोध है कि अभी से सुधर जाए, पेड़ पौधे ना काटें, पानी बचाएं, जिससे कि आने वाले भविष्य में सभी को सुख समृद्धि से इस पृथ्वी पर जीने का मौका मिले। नहीं तो अगर ऐसा चलता रहा तो आगे चल के ये पृथ्वी का विनाश होना तय है। तो जिसके लिए हम लोग एक छोटा सा पहल कर रहे हैं कि जीव जंतु को बचा रहे हैं। कहीं भी जीव जंतु दिखे तो प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर रहता है, उसे कॉल करें, हम आएंगे उसे रेस्क्यू करेंगे और इसी तरह जंगल में से रिलीज करेंगे। इसी का नाम है इंडियन रेड स्नेक। देखिए ये वैसे थोड़ा सा भी जहरीला नहीं है, अभी ये छोटा साइज का है, ये बहुत बड़ा बड़ा साइज का होता है। तो ये अभी मुश्किल से एक डेढ़ महीने का है, तो बहुत ही छोटा साइज में है। अभी कुछ दिन ही पहले ही हमने एक इंडियन रेड स्नेक को रेस्क्यू किया था, तो वो एक तरह से पीला कलर का था। तो सभी को बता दें कि ये धावन जिसको बोलते हैं इंडियन रेड स्नेक, ये बहुत सारे कलर के होते हैं, आप पहचानने में भूल ना करें। क्योंकि इसी कलर का एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा जिसे घोमन बोलते हैं, वो बहुत ही खतरनाक जहर वाला सांप है। तो उसे धावन समझ के पकड़ने का या कोई भी चीज़ करने का कोशिश ना करें, क्योंकि वो अगर काट ले तो एक घंटे में इंसान का मरना तय है। तो सभी से अनुरोध है कि सांप को के बारे में पहले जानकारी के बिना उसके साथ छेड़छाड़ करने का कोशिश ना करें, और कहीं भी कोई भी सांप काटे तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं। हम लोग काफ़ी प्रशिक्षण के बाद सांप को पहचानना और उसके अंदर क्या जहर है वो सब जानना सीखे हैं। तो इसे अभी जंगल में छोड़ देते हैं। ये बहुत ही छोटा साइज का है, तो सांप आखिर सांप होता है और इंडियन रेड स्नेक काफ़ी बड़ा बड़ा होता है। जिस तरह से लोग की अवधारणा है कि ये बड़े सांप इंसान को या फिर गाय को छान के उसका दूध पीते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सांप कभी भी सांप कोई भी सांप को कभी भी दूध नहीं पीते हैं, खास करके ये सांप कभी भी कोई भी इंसान या जानवर को नहीं पकड़ते हैं। जैसे कि गांव में लोग का कहना है कि गाय या कोई भी मवेशी को पैर में से छान के उसका दूध पीते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब एक अंधविश्वास है, दूसरों के द्वारा बताया गया एक अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो देखिए इसे, ये काफी सबसे ज्यादा फुर्तीला सांप इसे माना जाता है, और एक वाटर स्नेक जिसे कि चेकर्ड किलबैक स्नेक बोलते हैं इंग्लिश में, और ढोंट सांप जिसको बोलते हैं।
इसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ ना करते हुए इसे जंगल में छोड़ देते हैं। और आप लोग से सभी से निवेदन है कि सांप को बचाएं।